नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ में ज्योति सिन्हा। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ताड़ी कन्वर का बयान सामने आया है। ताड़ी कन्वर का कहना है कि सत्ताधारी भाजपा अपना दबाव बनाने के लिए सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रही है। सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के द्वारा नोटिस भिजवाया जा रहा है, अगर उनका समर्थन ना किया जाए तो कार्रवाई की बात कही जा रही है। ताड़ी कन्वर और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अब इसका जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार तो ऐसे भी दबाव में है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके खिलाफ माहौल बनाए हुए है, और ये कुछ भी बात नहीं है, दोनों के संबंध बिहार में भाजपा और इसके अच्छे नहीं हैं। तो जब तक मुख्यमंत्री का पद पर वो बने रहना चाहते हैं, तब तक उनको भाजपा की बात माननी पड़ेगी, भाजपा के साथ चलना पड़ेगा। राष्ट्रपति चुनाव सही तो देखिए, ऐसा है कि क्योंकि जो सत्ताधारी दल है भाजपा, जिस तरह से वो अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, यानी कहीं ईडी का इस्तेमाल कर रहा है, कहीं सीबीआई का इस्तेमाल कर रहा है, कहीं एक इनकम टैक्स को यूज़ कर रहा है, तो जब वो इस बात पर आमादा हो कि हमको हर हालत में कोई भी चुनाव हो वो जीतना है, तो इस राष्ट्रपति चुनाव में भी हम लोगों ने देखा कि कई ऐसे मुख्यमंत्रियों को उनको दबाव में केंद्र सरकार ने लिया, मोदी जी की सरकार ने लिया, उनको ईडी का नोटिस है उनके पास, उनको दूसरा एक प्रकार से धमकी दी जाती है कि अगर आप नहीं साथ दीजिएगा तो आगे कार्रवाई होगी। तो देखा आपने, ताड़ी कन्वर का कहना है कि सत्ताधारी भाजपा अपना दबाव बनाने के लिए सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रही है। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसी दबाव के डर से उनका समर्थन कर रहे हैं। आगे उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस दबाव में कार्य कर रहे हैं, और वो भी अपने आत्मसम्मान को खोकर। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।